हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सब कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। एंड दिस वीडियो इज गेस व्हाट दिस वीडियो इज। सो आज का वीडियो है होम टूर। ये सो फाइनली एज रिक्वेस्टेड बाय सो मेनी पीपल। I thought why not to make a home tour video for all of you. So I am super excited to shoot a home tour video for all of you, and I'm sure you all are excited as well. So stay until the video ends. Okay. So हम अभी अपने घर में enter कर गए। यह है पीछे जो आप देख रहे हो, ये है main door, right? मेरे राइट साइड में है एक स्टोरेज, मेरे लेफ्ट साइड जैकेट और शू क्लॉजेट। ये वाला जो स्टोरेज है मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी स्पेशल स्टोरेज। ऑल दो इट लुक्स वेरी मेसी एंड जंकी, बट वेट फॉर सम टाइम एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स माई लेफ्ट, राइट में क्या है? राइट वाला सारा ना एलिमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो राइट वाले साइड में हम बाद में जाएंगे, लेफ्ट वाले साइड में चलते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा आई वुड से 4 or 5 feet वाइड फॉयर है। एंड ये राइट साइड में एक स्टोरेज है, जो मेरे आप पीछे देख रहे हो वो है हाफ बाथ। और कोई हाफ बाथ बोलता है, कोई ऑर्डर रूम बोलता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो ये वीडियो मैं और आगे बढ़ाऊँ, उसके पहले एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ। एक्चुअली ये घर को मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, बहुत सारे आपको फर्नीचर के कॉम्पोनेंट्स या ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। दिस ओनली सिंपल रीज़न इज़ लाइक एवरीबडीज ड्रीम, मेरा भी एक ड्रीम है कि जो मेरा घर होगा, मेरा ओन घर होगा, वो ऐसा होगा। थोड़ी बहुत विजुलाइजेशन मेरे दिमाग में है, थोड़ी इमेजिनेशन मेरे दिमाग में है। आई डोंट नो वो क्या फुलफिल होगा कि नहीं, ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। तो उसके हिसाब से मुझे सारे जो चीज़ें हैं ना वहाँ के हिसाब से लेनी है, क्योंकि रेंटल जो प्लेस होती है ऑफकोर्स आपके जो अपने घर से थोड़ी सी साइज़ में टाइनी होगी। तो मैं ये प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती कि यू नो अभी के लिए हम यहाँ के लिए फर्नीचर लेते हैं, फिर सेल कर लेंगे, फिर दूसरा ले लेंगे, या तो फिर हम अभी यहाँ के लिए ले लेते हैं फिर यही वहाँ पे ले जाएंगे। मुझे ना ऐसा वाला मेरा आइडिया वो नहीं है सेटल होता उस चीज़ को, उस पॉइंट पे। मैं चाहती हूँ कि मेरा परमानेंट, मेरा खुद का जो घर होगा वो होगा परफेक्ट फॉर मी, परफेक्ट फॉर माई फैमिली, परफेक्ट फॉर माई लाइफ स्टाइल, परफेक्ट इन माई विजन। जो मेरा ड्रीम होगा सबकी सबसे अपनी परफेक्ट की डेफिनेशन है। सो मुझे वो चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए, साइज़ के हिसाब से मैं, अपने डिमेंशन के हिसाब से मैं अपने फर्नीचर लेना चाहती हूँ, अप्लाइंसेस लेना चाहती हूँ। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि यहाँ पर मैंने जो कुछ भी फर्नीचर आप थोड़ा बहुत जो देखोगे वो बहुत ही बेसिक सा है, जो मेरी डेली लाइफ स्टाइल में मुझे इंटरप्ट नहीं कर रहा, मुझे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा और बहुत ही ऐसा स्ट्रगलिंग नहीं है। आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल, बहुत ही अच्छे से लाइफ चल रही है। अभी छोटी सी डिटेल मैंने दे दिया, छोटा सा पाउडर रूम एंड बड़ा सा मिरर। इसके एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज सिंक, वॉश बेसिन प्लस माई ड्रेसिंग रूम, सो प्लीज़ डो नॉट जज, बहुत सारे सामान है। पाउडर रूम से मैं जैसे ही निकलती हूँ टूवर्ड्स माई लेफ्ट, मेरे पीछे आप देख रहे हो किचन। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किचन कैसा है मेरा यहाँ। किचन ऑल कैबिनेट्स, डिश वॉशर एंड देन वाइट सिंक, देन वाइट फ्रिज एंड देन द होल कैबिनेट्स एंड देन होल किचन। This is very huge kitchen. Yeah, so nice. लोग ये पैरल काउंटर टॉप्स हैं, काउंटर्स हैं, जो मेरे को पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे आप काम करो, यहाँ पे सामान रखो, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे सामान रखो। इट इज़ वेरी यू नो वेल प्लान्ड और अच्छे से एक्सेस करने के लिए मुझे ये पर्टिकुलर किचन का प्लान सब बहुत अच्छा लगता है। किचन से आगे बढ़ते हैं, देन दिस इज डाइनिंग एरिया, डाइनिंग कम किचन, डाइनिंग कम पूजा। डाइनिंग एरिया जो इस वक्त खाली पड़ा है, क्योंकि हमें डाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं है,
हम दो जने हम आराम से हॉल में बैठ जाते हैं। चलते हैं आगे। ये देखो टूवर्ड्स माई लेफ्ट, ये कैन यू सी दिस, ये है लिविंग रूम, वेरी ह्यूज लिविंग रूम। ये बड़ा सा विंडो जहाँ से दिन भर बहुत सारी लाइट, बहुत सारी हवा, बहुत सारी डस्ट, बहुत सारी सनलाइट, सब कुछ आता है। सो अभी ये हमारी यहाँ पे लिविंग रूम है। लेट्स गो आउट एंड आई विल शो यू वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस। Huge balcony, patio, outdoor arrangement, outdoor space, जो भी आप बोल लो, this is very huge. अगर मैं यहाँ पे पार्टी करना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकती हूँ। तो ये थी मेरी बालकनी की स्टोरी। अभी तो मन करते हैं, थोड़ा सी आवाज़ आ रही है, शूटिंग के बाद हम इसे खोलेंगे। सो विंटर में तो ये बालकनी का इतना यूसेज नहीं होता है, बट समर में बहुत अच्छा होता है। मैं पूरी विंडो खोल के रख देती हूँ और दिन भर घर में फ्रेश एयर होती है, बहुत ही मस्त अच्छा सा बढ़िया हो जाता है। रात को भी ये सामने ही जस्ट हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, सब कुछ आजू बाजू बहुत ही अप्रोचेबल है। जो हमें जो डेली लाइफ में जिस जगह जिन जिन एरियाज़ की नेबरहुड्स की नीड होती है ना, तो इस लोकेशन से काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है सारा कुछ, बहुत ही विद इन रेंज होता है। मैं भी बोलूँगी कि पास पड़ता है या बहुत ही दूर पड़ता है, विद इन रेंज होता है कि हम आराम से 10-15 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट्स में पहुँच जाते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं, पीछे फायर प्लेस भी आप देख रहे हो, फायर प्लेस भी अच्छा है, मतलब हम यूज़ कम करते हैं। अभी तक तो मुझे यूज़ ही नहीं आया, इवन -40 वाले दिन में भी मुझे इसका यूज़ नहीं पड़ा क्योंकि हीटर जो है वो ना हीट कर जाता है। बट इट्स गुड, देखने में अच्छा है, उसके एस्थेटिक में एड ऑन है। आपको थोड़ा बहुत दिख ही गया है मेरे लेफ्ट साइड पे, मतलब अभी तो मैं उल्टे साइड आ गई हूँ। अगर मैं बैक टू फ्रंट करती हूँ, यू टर्न लेके वापस बैक टू द एंट्रेंस आ गई हूँ जो लेफ्ट साइड का हमने टूर कर लिया। लेट्स बिगिन टू माई राइट साइड। तो ये देखो द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ माई अपार्टमेंट। अब आप सोचोगे ये मेरा मेन फ्लोर था है तो यहाँ पे मुझे रूम्स नहीं दिख रहे हैं, रूम का रास्ता नहीं है। ये पूरा मेन फ्लोर ख़त्म हो चुका है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ। यस यू हैड इट राइट, ये अपार्टमेंट दो फ्लोर पे है, ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट है, विच इज़ वेरी 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 रेयर यहाँ पे कि रेंटल अपार्टमेंट में आपको ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट मिले। बट लकीली मेरी एक फ्रेंड इस कॉम्प्लेक्स में रहती थी, इस बिल्डिंग में रहती थी, एक दिन मैं उसको ड्रॉप करने आई थी तो मैंने देखा कि दिस अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट है या बंगला है, तो शी वॉज लाइक नो ये अपार्टमेंट है, आप जाके पूरा वॉक टूर कर लो। तो मैंने पूरे वॉक किया उसके घर पर, पूरा देखा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो आज तक कोई अपार्टमेंट सस्ता में नहीं देखा जो ड्यूप्लेक्स फ्लोर पर है। बट लकीली हमारा जो पिछले अपार्टमेंट का अग्रीमेंट पूरा हो रहा था तब यहाँ पे एक स्वीट खाली हो रहा था, तो आई टॉक टू माई प्रॉपर्टी मैनेजर, उनसे बातें हुई और सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन देना देना हुआ, एंड वी गॉट दिस ब्यूटीफुल स्वीट। आगे बढ़ते हैं, ये लिविंग रूम है और ये ऊपर जाने का रास्ता। लेट्स गो टू माई फर्स्ट फ्लोर। लो मैं आ गई फर्स्ट फ्लोर पे। हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर है, तो ये जो है ना ये अपार्टमेंट
ये डोर मेरा एग्जिट पे भी जाता है, मतलब यहाँ से मैं एंटर भी कर सकती हूँ, यहाँ पे एग्जिट भी कर सकती हूँ, विच मीन्स कि दोनों ही फ्लोर में मेरे पास एंट्री और एग्जिट की फैसिलिटी है। ओके, सो बैक टू माय होम अगेन। ओके, लेट मी क्लोज द डोर फर्स्ट। इजंट दिस रियली अमेजिंग? मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने बोला आर यू सीरियस, ये फ्लैट कैसा है, तुमने ढूंढ कैसे लिया ये फ्लैट? मीन सब लोगों ने मुझसे प्रॉपर्टी मैनेजर का नंबर लिया, दे आर लिटरली वेटिंग कि कब ये कहीं पे इनको कुछ मिल जाए। ये फीचर इज़ इट एक्सट्रीमली नाइस एंड वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी फैसिलिटेटिंग? आई नो इट इज। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, तो आपको इस फीचर के बारे में या स्टेयरकेस वाले फीचर के बारे में कैसा लगा। और ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये जो आप देख रहे हो ये लॉन्ड्री है। उड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लेती हूँ अपने साइड पे, ये है स्टोरेज जो, और ये है टॉप वॉशरूम। ओके, तो ये जो स्टोरेज है, यूजुअली मैं इसको दिखाने में कोई बुराई नहीं है, बट इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रखा है जो लॉन्ड्री से रिलेटेड है, मतलब जो यूज क्लोथ्स होते हैं या जो वॉश क्लोथ्स होते हैं। तो ये रहा मेरा वॉशरूम। इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, इज जकूजी एंड दिस इज एन अपग्रेडेड फीचर अवेलेबल ओनली इन दिस सुइट एज मेंशन्ड बाय माय प्रॉपर्टी मैनेजर। हेलो, इस मास्टर बेडरूम के नहीं होते, मैंने ग्रिल बनाया था तो ये हमारा फ्लोर फैन कम चल जाता है। ये ब्रीज विंडो एयर इज वेरी ह्यूज, सो ह्यूज, कैन यू सी मी? थोड़े दिन बाद में दिखूंगी भी नहीं। तो दिस इज वेरी ह्यूज। एक क्वीन मैट्रेस यहाँ पे रखा हुआ है फ्लोर पे। मैं सोचती हूँ कि एक क्वीन या एक किंग और भी आ जाएगा तो भी मेरे पास ये बॉक्स रखे बचेगा। सो दिस रूम इज वेरी ह्यूज, दिस इज मास्टर बेडरूम। राइट साइड में है, लेट्स गो इन साइड। यू सी मी? ये पूरी लंबी पूरा इतना बड़ा मिरर है, इतना बड़ा मिरर। सो एक बार मेरी एक फ्रेंड आई थी इस घर पे मुझसे मिलने, मैंने उसको अपना घर दिखाया, वो बोलती कि यार इस घर का रेंट जो आप दे रहे हो ना उससे मैं डबल भी दे दूँ, और मुझे प्लीज़ ये फ्लैट दिला दो, मुझे ये फ्लैट चाहिए, मुझे ये फ्लैट चाहिए। सो ऐसी भी स्टोरी, काफ़ी सारी स्टोरीज है इस घर से रिलेटेड, मैं सब नहीं शेयर करूँगी। सेकेंड बेडरूम, ये रूम के एंट्रेंस से दोनों डोर पैरेलल हैं। ये आ गया मेरा सेकेंड बेडरूम। दिस इज नॉट वेरी ह्यूज, आई मीन दिस इज नॉट एज टाइनी एज, मतलब इतना उतना बड़ा नहीं है दूसरे वाले रूम जितना, बट ये भी इतना छोटा नहीं है। आराम से यहाँ पे क्वीन मैट्रेस आराम से सेटल हो जाएगी, बट इस वक्त ये खाली है बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई है नहीं इसको यूटिलाइज करने के लिए। तो ये है अगेन फुल क्लॉजेट, जितना भी आपको मिरर वाला पार्ट दिख रहा है वो सारा पूरा क्लॉजेट है जो भी भरा हुआ है। मेरी जो सेकेंड फर्स्ट फ्लोर है उसमें आप अगर देखोगे तो दो रूम हैं, एक फुल बाथ है और उसके अलावा एक ये छोटा सा बीच वाला पार्ट है विच यू कुड, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट मैं आपको दिखाती हूँ ये छोटा सा। अभी ऊपर आई उसके बाद करते हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली सभी के मन में इस वक्त होगा, व्हाट इज द रेंटल प्राइस ऑफ दिस स्वीट? अपार्टमेंट का रेंट दे रही हूँ $1,250। तो आई डोंट नो ये सही है या फेयर है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है, बट ये मेरे घर के हिसाब से मुझे कम्प्लीट सूटेबल हो रहा है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, व्हाट डू यू थिंक कि ये रेंट ज़्यादा है या फिर कम है,
for this size of the house, yeah, for the location, yeah, having these many features, you have this many cool things. Hey, finally time to reveal ye wali storage, which is right at the right side of my entry gate. Please do not judge the things which are in there. It's all messy, but it's all good. ये है मेरी स्टेयरकेस के नीचे की स्टोरेज. सो इट्स वेरी ह्यूज. यहाँ पे मैं पूरा ये पूरा आप आई डोंट नो इसमें विजिबल है या नहीं है. ये बहुत ही अंदर तक जा रहा है. वो देखो, कैन यू सी दैट, वो लगेज है. और यहाँ से फिर वो पूरा स्टोरेज, यहाँ से वो पूरा यू टर्न होते हुए वो यहाँ तक अंदर स्टोरेज है, ऑलमोस्ट यहाँ तक. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको मेरा ये हाउस टूर वीडियो पसंद आया हो. और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो विच पार्ट ऑफ द हाउस या विच फीचर या विच व्हाटएवर, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी फीचर, कोई भी एलिमेंट, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आई होप आपको ये होम टूर वीडियो पसंद आया हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो वेलकम इन नेक्स्ट वीडियो. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट अ लाइक बटन. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.